कि कहीं ऐसा नहीं हो गया हो कि केंद्रीय सरकार जो जिहादियों का जो पूरा शाहीन बाग चला था और वो पूरा जो यहाँ पर वामपंथियों ने तमाशा किया था, तो कहीं रीथिंक तो नहीं हो रही है कोई बात, या कोई बैकफुट पे तो नहीं चली गई हमारी सरकार? मेरी चिंता ये है, क्योंकि यदि बैकफुट पे गई तो फिर हम भी जो भी हमें करना होगा हम करेंगे। इस एक्ट को हम डाइल्यूट नहीं होने देंगे और अनइम्प्लीमेंटेड भी नहीं रहने देंगे, क्योंकि अगर इन हिंदुओं, सिखों, ईसाइयों को हमने लावारिस और बिल्कुल अनाथ छोड़ दिया, तो आप समझिए कि इनके कन्वर्जन होंगे, इनकी हत्याएं होंगी, इनकी इनकी बलात्कार बढ़ेंगे और ये महापाप, इसके हम सब भागी बनेंगे। तो मेरी आत्मा में तो मैं इसको स्वीकार करने को राजी नहीं हूं। हाँ, हम समय दे सकते हैं सरकार को, ये अपना समय ले आप नोटिफिकेशन, बिकॉज कोविड के कारण वाकई यहाँ पर कोहराम सा मचा हुआ था एक समय पर। यद्यपि एज अ डॉक्टर आई कैन टेल यू कि वो इतना जरूर इतना भीषण नहीं था, बीच में 15 दिन जरूर एक क्राइसिस की सिचुएशन थी, लेकिन अब ऑक्सीजन, मेडिसिन वगैरह सब आ गई हैं, नंबर्स ऑफ केसेस भी हमारी काफी कम हो गए हैं। वंस द क्राइसिस इज ओवर, आई थिंक अ मंथ और टू नोटिफिकेशंस आ जाने चाहिए सीए के। आपने कहा कि इस वक्त बहुत ही बड़ा मसला है, और सबसे बड़ी रुकावट आपको ये भी दिखती है कि शायद वो जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं, जो जिहादी हैं, कहीं उनका दबाव तो नहीं है? क्या ये दबाव ब्यूरोक्रेसी पे है? क्या जो इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स हैं, ख़ास तौर पर वेस्टर्न वर्ल्ड की, वो अभी तक सहमत नहीं हो सकी? क्या उनकी वजह से वहाँ की ब्यूरोक्रेसी कुछ सोचती है या इसको एक तरह से रोक रही है? जैसा आपको ये सब बातें दिखती हैं, जैसा कि हमें यहाँ पे बैठे हुए जी खदशात नज़र आते हैं? जी मैं मेरा इसमें एक कहना है, बड़ा इम्पोर्टेंट आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा कि प्रॉब्लम क्या हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी का जो काडर है या जो संघ से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी समस्या क्या है, उनको क्या है, बचपन से राम मंदिर के बारे में पता था, इतना पुराना केस है, हिस्टोरिकल उसके बैकग्राउंड पता थे, उनको कश्मीर के बारे में पता था, क्योंकि जनसंघ के जो फाउंडर थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ही वॉज एक्चुअली पॉलिटिकली मर्डर्ड इन कश्मीर, तो उनको 370 के बारे में पता था, उनको कॉमन सिविल कोड के बारे में पता था। ये तीन चार चीजें उनको उनके ब्लड में ट्रेवल करती हैं। और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में क्या हुआ है सर, कि ये सिर्फ 10 साल पुरानी डिमांड थी, यानी 2010 में पहली बार हम लोगों ने कहना शुरू किया कि 1955 का एक्ट अब कॉम्पिटेंट नहीं रहा है, और हर एक्ट में समय के हिसाब से चेंजेस होने चाहिए, और तो टाइम के हिसाब से थोड़ा सा दुरुस्त करना बहुत जरूरी है। उस दुरुस्तगी के प्रोसेस को आने में 9 साल लग गए। तो बेसिकली लोगों को सिटीजनशिप के बारे में, आम लोगों को, बीजेपी के काडर को भी पता नहीं था। लेफ्टिस्ट प्रोपेगेंडा ये हुआ, आपको मैं एक मजेदार बात बताता हूं, 1955 के एक्ट में नेहरू जी की सरकार ने जिन लोगों को बेनिफिशरी रखा है उसमें नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने एक भी कैटेगरी को ना जोड़ा है ना घटाया है। तो माइनॉरिटी ऑफ पाकिस्तान की डेफिनेशन क्या होगी, ये 1955 का एक्ट एड्रेस करता है, उसको एज इट इज बनाए रखा है। आपको शायद ध्यान होगा कुछ साल पहले, लगभग 18 साल 20 साल पहले भूटान में काफी इंसर्जेंसी हुई, और भूटान की राजाशाही ने वहां के हिंदुओं को, क्योंकि उन्होंने राजशाही के खिलाफ विद्रोह किया था, मोनार्की के खिलाफ खड़े हो गए थे, तो उनका झगड़ा बेसिकली अपनी सत्ता बचाने का था, तो बड़ी संख्या में हिंदू माइग्रेट होके भारत और नेपाल में गए, 2 लाख 2 लाख बर्मीज हिंदू इन रोहिंग्याओं के साथ में बड़ी संख्या में भारत में आए हैं। श्रीलंका की इंसर्जेंसी आपको पता है, राजीव गांधी जी ने पीस आर्मी भेजी थी और शांति सेना भेजी थी, बड़ी संख्या में तमिल हिंदू भारत आए हैं। अगर ये हिंदुओं के फेवर में करना होता तो भूटानी हिंदुओं को क्यों नहीं लिया इसमें, इसमें बर्मीज हिंदू को क्यों नहीं लिया, इसमें तमिल हिंदुओं को क्यों नहीं लिया? मैं बताता हूं सर, 1955 के एक्ट का स्पेशल प्रोविजन सिर्फ अफगानिस्तान और पाकिस्तान को ही एड्रेस करता था, तो न तो उसके उसके क्लॉजेस के अंदर कोई टेरिटोरियल चेंजेस किए गए कि हम श्रीलंकन हिंदू को ले लेंगे, हम इनको ले लेंगे, हम उनको ले लेंगे, ना ही कैटेगरी में कोई चेंज किया गया। तो माइनॉरिटी ऑफ पाकिस्तान और अफगानिस्तान पे सेंट्रिक रखा। बांग्लादेशी माइनॉरिटी इसलिए बेनिफिशियरी है क्योंकि वो ईस्ट पाकिस्तान की पॉपुलेशन है, इसलिए वो नेचुरल बेनिफिशियरी है, उस पार्ट को पहले से कवर किया गया था। तो ये मजे की बात है कि ना तो कैटेगरी चेंज हुई, ना टेरिटोरी चेंज हुई, ना तो क्षेत्र बदला गया, ना उनकी श्रेणी बदली गई, उसके बावजूद भी ये कांग्रेस और लेफ्ट का प्रोपेगेंडा चला, क्योंकि इनके लोग
तैयार ही नहीं थे इस बात को समझने के लिए और समझ करके आम जनता को समझाने और कहने के लिए। फिर भी भारत के जनमानस ने बड़ी बड़ी रैलियां, बड़े बड़े जलसे, जुलूस सीए के पक्ष में किए, क्योंकि मानवीयता का एंगल सबको समझ में आता है। कुछ थोड़े से लेफ्टिस्ट और इस्लामिस्ट जिहादी माइंडसेट के लोग या जो है कांग्रेसी, इन्होंने थोड़े बहुत एहतजाज किए और ये एक जगह शाहीनबाग जैसी कुछ जगहों पे बैठे, बाकी ऐसा कोई बड़ा विरोध नहीं था। हाँ, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में भारत का जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, वो अपनी बात को ठीक से नहीं कह पाई, ये हमको भी लगता है। आपको गोरा साहब मैं बताऊं, अभिषेक मनु सिंघवी, आपने नाम सुना होगा, कांग्रेस के एक बहुत बड़े लीडर हैं, मल्टीपल टाइम राज्यसभा के सदस्य रहे हैं, वो एक डिबेट में लाजवाब हो गए मेरे सामने जब मैंने उनसे पूछ लिया था। मैंने उनको डिबेट में सीएनएन पर स्पष्ट सारे वक्ताओं के बीच में, सारे श्रोताओं के बीच में, सारे पैनलिस्ट के बीच में एकदम झूठा साबित कर दिया और उनके पास में आंसर नहीं था। आपको मैं क्लिप भेज दूंगा, उनके कांग्रेस के प्रवक्ता के पास में, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन के पास में आंसर ही नहीं था मेरे सवालों का। तो ये झूठ बोल रहे हैं और इनका झूठ बिक रहा है और हमारी सरकार अपना सच नहीं चला पा रही है, बड़े दुख की बात है हमारे लिए।